बताइए एक बार, ये इंची टेप लेके यहाँ पर 56 इंच का सीना ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, क्या अभी तक मुझे कोई 56 इंच का मिला नहीं है? ये देखिए, ये इंची टेप लेके यहाँ से घूम रहे हैं। पहले तो पहनते हैं जैकेट, फिर पहनते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, फिर पहनते हैं कोट, फिर उसमें नाप होगा 56 इंच का, लेकिन तब भी 56 इंच का नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ये ईवीएम की सरकार है, ये पब्लिक की सरकार नहीं है। आज इस देश के अंदर सिर्फ ये खिलाड़ी सड़कों पर नहीं बैठे हैं, भारत का स्वाभिमान सड़कों पर बैठा है कि वो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना आप सभी शुरू कर चुके हैं, मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। देखिए आपको बता दूं कि अभी इस वक्त पहलवानों का धरना तो चल रहा है, यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इंची टेप लेके चल रहे हैं, इंची टेप लेकर चल रहे हैं। आखिर में ये इंची टेप लेके क्यों इस धरने में आए हैं, क्या मकसद है, किस लिए आए हैं, ये पहले इन्हीं से जानेंगे। सब क्या नाम? देखिए मेरा नाम अरुण मलिक है जी, मैं सचिव। तो ये मुझे बताइए, ये इंची टेप लेके आए हैं अरुण मलिक जी, किस लिए? मैं ये इंची टेप इसलिए लाया हूँ यहाँ पहलवानों के समर्थन में, कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बड़े जोर शोर से कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो मैंने 56 लोगों के नाप लिए, मुझे 56 इंच वाला कोई नहीं मिला। कितनों के नाप लिए? 56 से ज्यादा लोगों के नाप चुका हूँ। 56 से ज्यादा लोगों? हाँ, कर्जे लेकर कोई 56 इंच वाला नहीं मिला। इस समय भी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, 56 इंच का उनका सीना ही नहीं है पूरे। ये देखिए 60 इंच का तो पूरा इंची टेप है, और अगर मैं नापूं तो 56 इंच का सीना किसी का भी नहीं है पूरे देश में है, और इसमें भी वो झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताइए, 8 साल से वो झूठ पे झूठ ही बोलते जा रहे हैं। 2 लाख का बूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8 साल से झूठ ही झूठ बोलते जा रहे हैं। तो ये है, मैं वही कहते हैं ना, जिसको अपना घमंड है तो ना उसको नहीं करना चाहिए। ये 56 इंच का मुझे अभी तक कोई नहीं मिला, कोई 42 का मिला, कोई 44 का, कोई 45 का, कोई 46 का, लेकिन 56 इंच वाला कोई नहीं मिला अभी तक। मोदी जी का भी नापना चाहेंगे? उनका नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं बताऊँ वो क्यों कह रहे हैं? वो पहले तो पहनते हैं जैकेट, फिर पहनते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, फिर पहनते हैं कोट, फिर उसमें नाप होगा 56 इंच का, लेकिन तब भी 56 इंच का नहीं होगा, ये मेरा दावा है। दावा है मेरा 56, बिल्कुल दावा है इस देश में 56 इंच का सीना किसी का भी 56 इंच का पूरे 130 करोड़ लोगों में नहीं होगा। एक आदमी का छोटा सा जुर्म होता है ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, किसी का करोड़ रुपए मिलता था ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। एक दिल्ली प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं, देखिए मैं पूरे सरकार पर सवाल उठा रहा हूँ, पूरी सरकार ही निकम्मी है। अरे इसको दो बार जिताया है सर, वो ईवीएम सरकार है, ईवीएम सरकार है, ये ईवीएम की सरकार है, ये ईवीएम की सरकार है, ये पब्लिक की सरकार नहीं है। ना ये मध्य प्रदेश में है, ना ये महाराष्ट्र में चोरी किए हुए MLA, ना ये असम में है, मेघालय में, उधर कहीं भी नहीं है। इनकी 2-4 सीटें हैं, लोगों को हथियार के सरकार में बैठे हुए हैं। कर्नाटक में कर्नाटक में देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, 2024 में भी जो ये कह रहे हैं ना नमो नमो, हम कह रहे हैं गयो गयो। 2000 युवा भी है, इनसे भी जाना चाहूंगी, अरे नमो नमो गयो गयो, तो क्या लगता है नमो अगेन या नमो गयो? जी मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ कि देश को एक विकल्प की जरूरत है, देश को विकल्प की जरूरत है। तो विकल्प की भारत जैसे देश के अंदर कमी है क्या? इतनी विपक्षी पार्टियां हैं, एकजुट भी हो रही है कई कई मंचों पर, तो विकल्प की कमी दिख रही है क्या इसी देश के युवा को? जी हमारा मानना है कि अब नाम की नहीं, अब काम की राजनीति होनी चाहिए। कह रहे इतना तो काम हो गया है। जी नहीं, मुझे नहीं लगता। 2014 से पहले नहीं हुआ था जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर ये हो रहा है। और कौन सा काम हुआ? हमारी नजर में तो कोई काम नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि 70 सालों में विकास तो हुआ, लेकिन 70 सालों में मोदी ये मीडिया जो है वो गोदी नहीं हुई थी, इसलिए विकास दिखा नहीं। शायद इन 10 सालों में इसलिए दिखा क्योंकि ये जो मोदी है, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने उसी चीज को प्रमोट करके दिखाया, जनता को भटकाया, जनता को। भाजपा वाले अनपढ़ों और कुपढ़ों की सरकार है। 70 वर्ष में ये 6 साल अटल जी की भी गिन लेते हैं और 3 साल प्रधानमंत्री मोदी जी की भी गिन लेते हैं। 75 साल इस देश की आजादी के हुआ और कह रहे हैं कि 70 साल तक देश को लूटा गया, मतलब अटल जी ने भी देश को लूटा है और शुरू के 3 सालों में प्रधानमंत्री जी ने भी नोटबंदी करके देश को लूटा है, GST लागू करके देश को लूटा है। आज बात समझने की जरूरत है। आपने कहा कि दो बार सरकार बनाई, दो बार सरकार बनी नहीं है इनकी। 41% लोगों ने भाजपा को वोट दिया, 59% लोग भाजपा के विरुद्ध में वोट डाले हैं। आप इस बात को समझिए, आज इस देश के अंदर सिर्फ ये खिलाड़ी सड़कों पर नहीं बैठे हैं, भारत का स्वाभिमान सड़कों पर बैठा है, भारत का अभिमान सड़कों पर बैठा है। जिन लोगों ने ओलंपिक में जाकर के तिरंगे झंडे को विश्व के पटल पर स्थापित किया, आज उनके आंखों से आंसू गिर रहा है। जो लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते थे वो फोटो जीवी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है। ये हालत बना दिया इन लोगों ने इस देश का। और प्रधानमंत्री जी
पर मैं यही कहूंगा कि वो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। जिस सरकार का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, वो आज कह रहे हैं सबका साथ सबका विनाश, चंद पूंजीपति मित्रों का विकास। जिन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज कह रहे हैं कि मैं देश नहीं टिकने दूंगा, देश की सारी सरकारी संपत्तियों को अपने मित्रों के हवाले बेच दिया था। ये दोस्तवाद की नीति जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, उस नीति से बचाने की जरूरत है। ये खिलाड़ियों के सम्मान की लड़ाई नहीं है। एक व्यक्ति जो पिछले 4 महीनों से इस कानून प्रणाली को, व्यवस्था को, शासन को और संविधान को अपनी जेब में लेकर के घूम रहा है और तमाम शासन प्रणाली को चढ़ा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को जवाब देने की लड़ाई है कि संविधान के अंदर कानून से यह देश चलेगा और कानून के अधीन तुम्हारी क्या हैसियत है, इस बात को स्थापित करने की लड़ाई है। कुछ लगता है इन पहलवानों का धरना में कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा? इनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? मैडम, आवाज इनकी प्रशासन तक पहुंचेगी जरूर, पर वो सुनेंगे या नहीं ये पूछने वाली बात ये है, क्योंकि सब कुछ तो वो नजर गारंटी नहीं लग रही आपको? बिल्कुल भी नहीं मैडम, जिस हिसाब से FIR तो हो गई है। FIR का नतीजा क्या है? कमेटी बनाई गई थी जांच आने से पहले, ये दोबारा धरने पे आ गए। वो कमेटी भी उन्हीं के आदमियों की है। हाँ। वो आदमी जो कमेटी में फैसला भी उन्हीं के पक्ष में लेंगे। ये जो सांसद है, इनके प्रभाव से 4 सीटें लोकसभा की चलाई जाती हैं, जो मोदी जी को जीतनी है, इसलिए इनके खिलाफ वो कुछ नहीं कर रहे। जब तक दबाव नहीं, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर पहलवान हमारे भाई धरने पे बैठे हुए हैं, दबाव बना रहे हैं, ये जब तक और बनता रहेगा तब जाकर एक फैसला सामने आएगा। गंदी राजनीति कर दी देश में। देखिए विपक्षी कर रहे हैं राजनीति से प्रेरित इस धरने को, बता रहे हैं, कह रहे हैं विपक्षी बस अपनी राजनीति चमका रहे हैं, यहाँ पर सारे विपक्षी नेता आ रहे हैं। मैडम उनकी राजनीति देखिए ना, दोस्तों को करोड़ों पति बनाना उनकी राजनीति। जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे उनका कह रहा है जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारे पहलवान जो है यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, सब कुछ ये चीजें चल रही है, अभी तो जांच ही बताएगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। जो ब्रजभूषण पर आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।